गुजरात के राजकोट शहर में टीआरपी गेम जोन में शनिवार को हुए आग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अभी तक जितनी जान गई है उनमें बच्चे भी शामिल हैं। गेमिंग जोन को धातु और फाइबर शीट से बनाया गया था, इस वजह से आग तेजी से फैल गई। 3.5-4 घंटा आग बुझाने में हो गया, उसके बाद एक कैजुअल्टी ढूंढने के लिए निकल गए थे सब। पूरा टीम ये साइड भी था और वो साइड भी, दोनों साइड में से, ये कोने से निकली है कैजुअल्टी, वो साइड से निकली, यहीं से कम 7-8 निकली है और वो साइड से 10-12। और पूरा स्टाफ यानी 70 के आसपास हमारा स्टाफ भी आ गया, जिसको भी जहां मैसेज मिला जो ड्यूटी पे नहीं था वो भी स्टाफ यहां आया और हमने आग बुझाने की कामगिरी स्टार्ट की। कामगिरी में हमको यहां कोई टीआरपी का अभी तक हमको कोई बंदा मिला ही नहीं था, और दूसरी चीज़ कि हमको अंदर कितने आदमी वो भी पता नहीं थे। और हम आए तब पूरा स्ट्रक्चर वो सब कुछ यानी कोलैप्स का, क्योंकि पूरा जो टीआरपी गेम जोन था वो जो लोखंड के यानी आयरन के स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर था। हादसे के बाद पुलिस ने टीआरपी गेम जोन के मालिक और मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात हुई और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। शनिवार शाम को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटना स्थल का दौरा किया। राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा है, साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजकोट हादसे पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतक के घर वालों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया है।